तो अभी सुबह के 6:22 हुई है तब हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी सुबह का टेम्परेचर 28 है। तो नाश्ते में चाय और पराठा है। तो पूजा भी कर ली और चाय नाश्ता भी कर लिया। तो सबसे पहले चलते हैं मनोज भाई को लेने के लिए उनके घर। तो सामान भी पैक कर लिया और ब्लॉग बनाने के लिए ट्राइपॉड भी ले लिया। आज हम लोग जा रहे हैं नाजर माता वाटरफॉल, जहाँ पे हम लोग नाजर माता का मंदिर पत्थरों की गुफा के अंदर है वो भी दिखाने वाले हैं और वाटरफॉल भी दिखाने वाले हैं। ये जगह बड़ौदा से 65 किलोमीटर है और हालोल से 25 किलोमीटर है। तो चलते हैं ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाड़ी के अंदर सामान भी रख दिया। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं फिर आगे की ओर निकलते हैं। सामने से मनोज भाई आ रहे हैं। से निकलने से पहले भगवान को भी याद कर लेते। तो गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ पर हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। लोगों ने पेट्रोल भी डलवा दिया। तो बढ़ते आगे की ओर। अभी हम लोगों ने गोल्डन चौकड़ी पार की है तो यहाँ से हमें सीधा ही जाना है। तो आगे टोल प्लाजा है तो अभी हम लोग टोल प्लाजा पार करने वाले हैं। तो अभी हम लोग हाईवे पे पहुंचे। अभी हम लोग नर्मदा कैनाल पार करने वाले हैं।
अभी हम लोगों ने टोल प्लाजा पार किया तो यहाँ से हमें सीधा ही जाना है और सर्कल से हमें राइट टर्न मारना है। तो बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो गया तो पावागढ़ बदलों के पहाड़ के पीछे ढक चुका है, आप लोग देख सकते हो। रास्ते से आप लोग सीधे ही आते हो तो यहाँ से भी हमें सीधा ही जाना है। तो पावागढ़ जाने वाला रास्ता संडे के दिन बंद कर देते हैं क्योंकि पावागढ़ में ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि नीचे ट्रैफिक ना हो इसलिए रास्ता बंद कर देते हैं। तो मेरे पीछे चापानेर गेट है तो अभी हम लोग चापानेर गेट पहुंचे तो यहाँ से भी हमें सीधा ही जाना है। अभी हम लोग पावागढ़ पहुंचे तो यहाँ से भी हमें सीधा ही जाना है। देख सकते हो रास्ता कितना खराब है, तो आप लोग यहाँ पर आते तो गाड़ी ध्यान से चलाना क्योंकि स्लिप होने का डर रहता है। लोग शिवराजपुर पहुंच गए तो इस शिवराजपुर का बाजार है। तो शिवराजपुर में हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं। रास्ते से आप लोग सीधे ही आते हो तो सामने की तरफ आप लोगों को शिवराजपुर का बस स्टैंड नजर आएगा, तो यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न मारना है। तो यहाँ से नाजर माता वाटरफॉल 5 किलोमीटर है। हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया तो बढ़ते आगे की ओर। और ये रास्ता गांव के अंदर से है। शिवराजपुर गांव से आप लोग सीधे ही आ दो तो यहाँ से आप लोगों को राइट टर्न मारना है, तो यहाँ से हमें सीधा ही जाना है।
यहाँ के व्यू और लोकेशन बहुत ही अच्छे हैं, तो ब्लॉग के थ्रू हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर रास्ता छोटा है, तो आप लोग यहाँ पर आते हो तो टू व्हीलर या फोर व्हीलर में ही आना, बड़ी गाड़ी लेके मत आना क्योंकि आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। रास्ते में आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यू और लोकेशन देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग अच्छी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। ये रास्ता जंगल के अंदर से जा रहा है। तो रास्ते से आप लोग सीधे ही आते तो सामने की तरफ आप लोगों को नाजर माता का बोर्ड नजर आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को गाड़ी पार्क कर देनी है। हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, तो ये पूरा पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, तो बारिश बंद होने का हम लोग वेट कर रहे हैं। झोपड़ी के अंदर हम लोग रुके हैं। लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, तो यहाँ से हमें जंगलों के अंदर से जाना है। 1 से 2 किलोमीटर तक हमें चलना होगा। तो ये रास्ता जंगल के अंदर से और मिट्टी का पत्थर का कच्चा रास्ता है। बारिश के मौसम के लिए चारों तरफ ग्रीनरी है। जंगल के अंदर कितनी शांति है, और जंगल के अंदर आप लोगों को अलग अलग पेड़ पौधे भी देखने के लिए मिलेंगे। संडे के दिन आप लोगों को ज्यादा पब्लिक देखने के लिए मिलेगी। इसी रास्ते पर आप लोग आगे बढ़ते जाइए, जो आपको नाजर माता वॉटरफॉल तक लेके जाएगा। यहां से नाजर माता वॉटरफॉल 1 से 2 किलोमीटर है, जो आपको जंगल के अंदर से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आकर आप लोगों को एडवेंचर फील होगा। यहाँ पर आप लोग आते हो तो अलग अलग मौसम में आप लोगों को अलग अलग नेचर देखने के लिए मिलेगा।
आप लोगों के पास टू व्हीलर है तो यहाँ तक कि आप लोग टू व्हीलर ला सकते हो, और यहाँ पर आप लोगों को टू व्हीलर पार्क कर देना होगा और यहाँ से आप लोगों को चलकर जाना होगा। बड़ा मजा आ रहा है, बारिश भी है और धूप भी आ गई, और ये पथरीले रास्तों पर चलना बहुत मजा आ रहा है, एडवेंचर जैसा फील हो रहा है। तो आगे जो रास्ता जा रहा है ये नाजर माता की ओर, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते जाइए। तो जंगल के अंदर से इसी रास्ते पर आप लोग आगे बढ़ते जाइए, जो आप लोगों को नाजर माता वाटरफॉल तक लेके जाएगा। और आप लोग बारिश के मौसम में यहाँ पर आते हो तो पत्थरों पर फिसलन बढ़ जाती है, तो ध्यान से चलना क्योंकि गिरने का डर रहता है। और यहाँ पर आकर आप लोगों को ट्रैकिंग का फील होगा। यहाँ पर आप लोगों को प्यास ज्यादा लगेगी तो पानी की बोतल साथ में लेकर आना, तो आप लोगों को पानी की आवाज भी सुनाई दे रही होगी। तो हम लोग नाजर माता वाटरफॉल के पास में ही आ गए। तो ये वाटरफॉल जंगल के बीच में हो रहा है। रास्ते में आप लोगों को छोटे बड़े झरने भी देखने के लिए मिलेंगे। पत्थरों के पहाड़ के ऊपर से जो वॉटरफॉल हो रहा है उसका पानी यहाँ से भी जा रहा है। नाजर माता वाटरफॉल तक जाने के लिए आप लोगों को पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ेगा, तो बारिश के मौसम में यहाँ पर पत्थरों पर लील जमा हो जाती है, तो ध्यान से चलना क्योंकि गिरने का डर रहता है।
तो रास्ते में आप लोगों को छोटे बड़े झरने देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग नहा भी सकते हो। यहाँ पर पानी का फोर्स कितना तेज है, आप लोग पानी की आवाज़ सुन पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे बहुत तेज आ रही है पानी की आवाज़। रास्ते में आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यू और लोकेशन देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग अच्छी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। तो फुल का पानी कितना क्लीन है, पानी के अंदर क्या है वो आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। सामने ये ध्वजा दिख रही है, यही है नाजर माता का मंदिर। तो बढ़ते मंदिर की ओर। जब पानी का फोर्स और लेवल बढ़ जाता है तब ये सारी चीज़ें पानी के साथ बहकर यहाँ पर आ जाती है। नाजर माता के मंदिर जाने के लिए हम लोगों को झरना क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पानी का झरना भी पार कर दिया, तो सामने की तरफ है नाजर माता का मंदिर। तो चलते मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। पत्थरों के पहाड़ के ऊपर से जो पानी आ रहा है वो मंदिर के अंदर भी आ रहा है। यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। नाजर माता का मंदिर पत्थरों की गुफा के अंदर है। पत्थरों के ऊपर से जो पानी गिर रहा है यहाँ की सुंदरता और शोभा बढ़ा रहा है। मंदिर के बाहर का पूरा व्यू दिखाता हूँ।
तो फाइनली हम लोगों ने नाजर माता के मंदिर में दर्शन भी कर लिया है। अब चलते हैं वॉटरफॉल की तरफ। वॉटरफॉल तक जाने के लिए आप लोगों को पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ेगा। वॉटरफॉल हो रहा है वही है नाजर माता का वॉटरफॉल। तो फाइनली हम लोग नाजर माता वॉटरफॉल पहुंच गए। तो मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही नाजर माता का वॉटरफॉल है जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर पब्लिक ना रही है, उसी जगह पर आप लोग नहाइए क्योंकि कुछ जगह पानी की गहराई भी ज़्यादा है तो डूबने का डर रहता है। और ये वॉटरफॉल आप लोगों को बरसात के मौसम में देखने के लिए मिलेगा। पत्थरों के पहाड़ के ऊपर से जो पानी आ रहा है यहाँ की सुंदरता शोभा बढ़ा रहा है। ये वॉटरफॉल जंगलों के बीच में हो रहा है। यहाँ पर आप लोग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। और वॉटरफॉल का पानी कितना क्लीन है, पानी के अंदर क्या है वो आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। और जहां पे वॉटरफॉल हो रहा है वहां पे पत्थरों के चारों तरफ पहाड़ है। पर आते हो तो गंदगी ना करें, कचरा अपने साथ ले जाइए और डस्टबिन में डालिए। तो आप लोग पत्थर पे बैठकर वॉटरफॉल को एंजॉय भी कर सकते हो। यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पे पानी का फोर्स और लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ से जल्दी निकल जाना क्योंकि डूबने का डर रहता है। वॉटरफॉल के पास अच्छे अच्छे व्यू और लोकेशन है जहाँ पर आप लोग अच्छी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। तो आप लोग नाजर माता वॉटरफॉल जाते हो तो संडे के दिन और छुट्टियों के दिन आप लोगों को ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है, बाकी के दिनों में आप लोगों को कम पब्लिक देखने के लिए मिलती है। जिन लोगों को नेचर से प्यार है उनके लिए एक अच्छी सी जगह है। तो वॉटरफॉल के पास यहाँ पे पत्थर है जहाँ पर आप लोग आराम से बैठ भी सकते हो और नाश्ता वास्ता भी कर सकते हो। यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। और वॉटरफॉल के पास कितनी शांति है।
तो आप लोग नाजर माता वाटरफॉल जाते हो तो वहाँ पे खाने पीने की दुकान नहीं है, तो घर या बाजार से खाना पीना लेकर जाइए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लोग पावागढ़ आते हो तो पावागढ़ से 25-30 किलोमीटर के बाद ही नाजर माता वाटरफॉल आता है, जहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। आपको खूब मजा आएगा, खूब इंजॉय करोगे। लोग मेन वाटरफॉल के ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं। तो हम लोग मेन वाटरफॉल के ऊपर आ गए और ऊपर से आप लोगों को पूरा व्यू दिखाते हैं। पर भी आप लोगों को छोटे मोटे झरने देखने के लिए मिलेंगे जहां पर आप लोग नहा भी सकते हो। यहाँ की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। तो ऊपर से जो पानी आ रहा है वो मेन वाटरफॉल तक जा रहा है। और ये वाटरफॉल जंगलों के बीच में हो रहा है, तो दिन के उजाले तक ही यहाँ पर रहना, रात होने से पहले यहाँ से जल्दी निकल जाना, क्योंकि जीव जंतुओं का डर रहता है। तो यहाँ पर मनोज भाई भी इंजॉय कर रहे हैं पानी के अंदर। बरसात ज्यादा होती है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो आप लोग पत्थरों पे देख सकते हो लील जमा है। तो आज फिर से हमारे साथ मनोज भाई आए, तो मनोज भाई कैसा लग रहा है आपको? अरे आज तो बहुत बहुत मजा आ गया, फिर से जुड़ गए सफर 2089 के साथ। हम आए हैं नाजर माता वाटरफॉल, बहुत ही मजेदार नजारा कुदरत का, कुदरत का करिश्मा, जंगल पहाड़ों के बीच नाजर माता का मंदिर, गुफा के अंदर दर्शन किए, धन्य धन्य हो गए। और वाटरफॉल देख के तो मज़ा आ गया, छोटे बड़े इतने सारे झरने, और देख के मन खुश हो गया और मन काबू में नहीं रहा, तो मैंने नहा भी लिया, नहाने का मज़ा भी ले लिया। भाई यहाँ इतनी दूर आए हैं तो बिना नहाए कैसे जा सकते हैं, तो नहाने का मज़ा भी ले गया और आज सचमुच बहुत मज़ा आ गया। आप भी आइए फैमिली के साथ, खूब एंजॉय करिए और मिलते हैं अगले सफर में। बाय। और इसका मौसम भी हो गया तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तो पार्किंग के पास हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया। ने आप लोगों को नाजर माता का मंदिर भी दिखा दिया, वाटरफॉल भी दिखा दिया। हम लोगों ने पार्किंग में से गाड़ी भी ले ली, तो बढ़ते घर की ओर। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यही पर सफर अपना सफर खत्म करता है, सफर के लिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।